अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इट्स आवर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लेक्चर ऑन टॉपिक स्टैक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर डिस्कशन की थी। आज की हमारी डिस्कशन जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर है। हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद उनका C++ कोड के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों स्टैक्स। स्टैक से पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछले लेक्चर का रिव्यू बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ प्रोग्राम में उसकी जो है इंसर्शन ऑपरेशन करके भी इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखा था। उसमें सिंपल एक लाइन में अगर मैं आपको समराइज कॉन्सेप्ट बताऊं तो सर्कुलर लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट थी जिसका लास्ट वाला नोड जो है वो नेक्स्ट एड्रेस पे जब मूव होता था तो पहले नोड पे आ जाता था। लास्ट वाले नोड के एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस वाली जगह पे फर्स्ट नोड का एड्रेस मौजूद होता था। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली था सर्कुलर लिंक लिस्ट का। और जो फर्स्ट वाले का प्रीवियस एड्रेस, अगर आपके पास डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर हुई पड़ी हो तो फर्स्ट वाले का प्रीवियस जो है एड्रेस वो हमारे लास्ट नोड पे मूव कर जाता था। ये छोटा सा एक समरी कॉन्सेप्ट था हमारा लास्ट लेक्चर का। अब नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टैक्स के ऊपर है। स्टैक्स बेसिकली ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी है। जैसे हमने एरेज कैटेगरी सबसे पहली जो है एरे पढ़ी, फिर उसके बाद हमने लिंक लिस्ट पे आए। लिंक लिस्ट की फर्दर उसकी टाइप्स थी, उन टाइप्स को हमने डिस्कस किया और उन टाइप्स के बाद हमने अब स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एक किस्म का आप इसको जो है एरे कह सकते हैं लेकिन लिमिटेड एरे कह सकते हैं। इसको लिंक लिस्ट कह सकते हैं लेकिन लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट कह सकते हैं। कैसे लिमिटेड कह सकते हैं कि जो एक एरे होता है वो एरे आप उसमें जितना भी डाटा इनपुट कराना चाहें तो स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं और उसको इनपुट कराते रहते हैं। जो स्टैक है वो वन साइडेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसमें इंसर्शन ऑपरेशन हमेशा एक साइड से होती है, किसी सेंट्रल लोकेशन पे। जैसे हमने अगर आपने लास्ट प्रोग्राम्स में देखा हो कि एट अ गिवन पोजीशन किसी हम अपनी मर्जी की लोकेशन पे जब इंसर्शन करते थे एरेज के अंदर या लिंक लिस्ट के अंदर, तो वो मर्जी की लोकेशन पे आपको ये इंसर्शन करने नहीं देता स्टैक। स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट इज नेम्ड स्टैक एज इट बिहेव्स लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। रियल वर्ल्ड में स्टैक क्या होता है, जैसे कोई चीज़ों के जो ढेर लगे होते हैं उस ढेर को, इसका जो उर्दू लफ्जी मीनिंग है वो बेसिकली ढेर कहलाता है। उस ढेर को जब हमने कोई चीज़ें रखी होती हैं तो वो तरतीब से अगर उसको सेट किया जाए तो उसमें ये होता है कि नीचे एक चीज़ होती है, फिर उसके ऊपर और देन उसके ऊपर और इसी तरीके से प्रॉपर जो हम रखते हैं। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे जो गिवन है वो है डेक ऑफ कार्ड्स। जैसे कि हम कार्ड्स जो है तरतीब से रखते हैं, उसमें नीचे कुछ होते हैं फिर देन उसके ऊपर ऊपर मूव करते जाएं तो इस तरीके से पूरा एक सेट बन जाएगा। और अब पाइल ऑफ प्लेट्स, तो ये हमारे पास जैसे ये सेट बन गया है। नीचे हमारे पास जो है एक प्लेट है, देन उसके ऊपर एक और है, देन और है और इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी प्लेट्स का सेट है। अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन प्लेट्स में से अगर सपोज कि हम दरमियान वाली कोई प्लेट अचानक से निकाल लेते हैं तो वो निकालना पॉसिबल नहीं है। बाकी प्लेट्स या तो टूट जाएंगी या फिर डिस्टर्ब होंगी। तो ये जो दरमियान में से निकालना पॉसिबल रियल टाइम पे भी नहीं होता है, तो स्टैक में तो बिल्कुल ही आप इम्प्लीमेंटेशन जब प्रोग्रामिंग में करना चाहें या डाटा स्ट्रक्चर को जब प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके दरमियान में कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप जस्ट ऊपर फर्स्ट एंड जो फ्रंट एंड होता है वहाँ से आपने
कोई चीज रखनी है या उठानी है या रखनी है। तो ये प्लेट्स में से भी सपोज अगर आपने कोई प्लेट उठानी तो ऊपर वाली प्लेट आप पहले उठाएंगे, अगर वापस रखनी हो तो वो भी ऊपर वाले पोर्शन में आप रखेंगे। रियल वर्ल्ड स्टैक अलाउज ऑपरेशन। अब ये जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट या आइडिया क्लियर ना हो तो उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको सिंपल एग्जांपल्स के फॉर्मेट में आसान तरीके से मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ताकि आपको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन आसान लगे। ए रियल वर्ल्ड स्टैक अलाउज ऑपरेशन एट वन एंड ओनली। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लेस आर रिमूव अ कार्ड आर प्लेड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक ऑनली। लाइक वाइज स्टैक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अलाउज ऑल डेटा ऑपरेशन एट वन एंड ओनली। एट एनी गिवन टाइम वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। आप कोई सेंट्रल एलिमेंट को ट्रेवर्स या डिस्प्ले नहीं करा सकते, आप किसी सेंट्रल एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी सेंट्रल एलिमेंट को जो है इंसर्शन ऑपरेशन के जरिए से थोड़ा सा आगे मूव नहीं कर सकते। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं जो कि जस्ट फ्रंट एंड साइड से परफॉर्म की जा सकती हैं। दिस फीचर्स मेक्स इट लिफो डेटा स्ट्रक्चर। लिफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने सबसे आखिर में कोई चीज रखी, प्लेट्स की अगर एग्जांपल है, जो सबसे आखिर में प्लेट ऊपर ऊपर आपने रखी थी, वापस उठाते हुए वही आखिरी वाली प्लेट वापस आप उठा सकते हैं, ना कि सबसे पहले जो आपने नीचे नीचे प्लेट रखी थी उसको आप उठा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो कहा जाता है। हियर द एलिमेंट इज प्लेस्ड, एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इंसर्टेड और एडिट लास्ट इज एक्सेस्ड फर्स्ट। इन स्टैक टर्मिनोलॉजी इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश। अब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग में प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन में जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो एक सिंपल इंसर्शन वर्डिंग के साथ इंसर्ट नहीं बल्कि हम पुश ऑपरेशन जो है इसको कहते हैं, जिसमें आप जस्ट टॉप पे आप एलिमेंट को पुट कर सकते हैं, नई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वहां से कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो वो रिमूवल ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। आई होप आपको डेफिनेशन इसकी तो समझ आ गई होगी। अब आगे थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास फॉलोइंग डायग्राम ये बता रही है कि कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। पुश के दौरान क्या होता है कि सपोज कि आपके पास ये स्टैक है, आपको अगर ये इसको थोड़ा सा गौर करें तो सेम ऐसे है जैसे आपका एक एरे बना हो, लेकिन एरे वन साइड से ओपन है, वन साइड से आपका एरे ओपन है, सेकंड साइड जो है इसकी क्लोज है। तो वन साइड जो एरे ओपन है यहीं पे आपने डाटा एलिमेंट पुट करना है, इसी पे जितने भी एलिमेंट्स रखना चाहें आप रख सकते हैं। और जब आपने कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो तो वो भी यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं पॉप ऑपरेशन के थ्रू। अब मैं आपको इसकी ना रियल इम्प्लीमेंटेशन की एक एग्जांपल मेरे जहन में आ गई तो मैंने सोचा आपको बता दूं फौरन फौरन। आप अक्सर लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे हो या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, खासकर जो मूवी आप कोई देख रहे हो उस दौरान आपके लैपटॉप की बैटरी एंड हो जाए, और आपने मूवी अगर 2 घंटे की मूवी है उसमें से कोई आधे घंटे की मूवी आपने सपोज 30 मिनट्स की मूवी रन हो चुकी थी, तो जब आप के लैपटॉप की बैटरी एंड होने की वजह से अचानक से आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाए, तो दोबारा जब आप चार्जर कनेक्ट करके बैटरी चार्ज उसकी करके दोबारा लैपटॉप जब आप ओपन करते हैं तो आपकी मूवी वहीं से मिनट 30 से स्टार्ट हो जाती है। तो वो कैसे वहां से स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या होता है कि लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको टॉप पे रख दिया जाता है, जो ही आप दोबारा लैपटॉप ऑन करते हैं तो वो लास्ट इंस्ट्रक्शन ऊपर ऊपर से टॉप लोकेशन से पॉप कर लेते हैं। जो ही लास्ट इंस्ट्रक्शन को आप पॉप करेंगे तो ऑब्वियसली जो आप 30 मिनट्स पे मूवी देख रहे थे तो वो 30 से 31 मिनट्स वाली
अगले सीन जो है, अगली मूवी के जो मिनट्स हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को डिस्प्ले पे ले आएगा और माइक्रो प्रोसेसर के पास भेज देगा, और माइक्रो प्रोसेसर आपको उस मूवी के जो इमेजेस को एलसीडी पे और ऑडियो को स्पीकर पे सेंड करके डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा रियल टाइम की एक एग्जांपल थी स्टैक की। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ एरे स्ट्रक्चर पॉइंटर लिंक लिस्ट। तो ये आपको प्रोग्रामिंग की कुछ स्किल्स रिव्यू करने पड़ेंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टैक कैन आइदर बी अ फिक्स साइज साइज वन आर इट मे हैव सेंस ऑफ डायनामिक रीसाइजिंग। तो इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट करके भी कर सकते हैं और फिक्स साइज की एक मेमोरी एलोकेट करके भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हियर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरेज। तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करूंगा वो एरेज के थ्रू करूंगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं स्टैक के ऊपर, कौन कौन से आप एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो होता है जनाब एक पुश एंड दूसरा है पॉप। स्टैक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग द स्टैक यूजिंग इट एंड देन डी इनिशियलाइजिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक स्टेप्स स्टैक इज यूज फॉर फॉलोइंग टू प्राइमरली पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश में आप क्या करते हैं, स्टोरिंग एन एलिमेंट ऑन द स्टैक, एंड पॉप में आप करते हैं रिमूविंग एन एलिमेंट, एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। व्हेन डेटा इज पुश्ड ऑन द स्टैक टू यूज अ स्टैक एफिशिएंटली, आप जब भी पुश ऑपरेशन कर रहे हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसमें एफिशिएंटली अगर आप स्टैक को यूज करना चाहते हैं तो उसमें फर्दर कुछ सब ऑपरेशन उसके हैं वो भी आपके जहन में होने चाहिए। वी नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ स्टैक। तो स्टेटस चेक करना कि जी हमने एक कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक वैल्यू ऐड करनी है, एक वैल्यू पुश करनी है, उस दौरान आप कुछ चीज़ें हैं वो चेक कर लें। वो क्या है जी, सबसे पहले आप चेक कर लें जी पीक फंक्शन के थ्रू। एक फंक्शन है ये, आगे आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, सी प्लस प्लस में इसको इंप्लीमेंट करके भी आपको दिखाऊंगा कि पीक क्या होता है। इट प्रोवाइड्स यू टॉप डेटा एलिमेंट, गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको टॉप एलिमेंट कोई वैल्यू पड़ी है तो उसको डिस्प्ले कर देता है। उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आप चेक करते हैं टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है और टॉप पे आपका स्टैक कौन से इंडेक्स पे है, कौन सी टॉप वैल्यू है, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसकी कंटेंट वैल्यूज क्या है। देन उसके बाद होता है इज फुल। ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको चेक करके बताता है कि स्टैक्स में जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे फिल हैं या अगर कोई स्पेस उसमें फ्री है। अगर आपके पास स्पेस फ्री है देन आप कोई नया एलिमेंट जो है उसको पुश कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नए एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से एक फंक्शन होगा इज एम्प्टी। वो फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपके पास एम्प्टी है तो उसमें आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें आपका जो भी एलिमेंट जाएगा तो वो पहला पहला एलिमेंट कहलाएगा उसके अंदर। अब ये इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि जी पीक फंक्शन इज फुल और इज एम्प्टी ये क्या है। सिंपली है, हम जस्ट जो है जैसे चेक करते हैं टोटल साइज या टोटल आपके जितने भी एलिमेंट्स पुट हुए पड़े हैं उसमें, उसको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि और उस कंपैरिजन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला या कोडिंग लिखेंगे तो इज फुल फंक्शन बन जाएगा। और जो फर्स्ट एलिमेंट उसका टॉप एलिमेंट जो होगा, मीन के लास्ट लास्ट आखिरी आखिरी जो हमने एलिमेंट रखा था या मूव किया था या जो वैल्यू असाइन हुई थी उसको जस्ट लास्ट ऑपरेशन वाली वैल्यू को जो चेक कर लेंगे तो उससे हम पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इनिशियल वैल्यू या स्टैक वैल्यूज को
चेक करें कि वो क्या नल के इक्वल है। एक फार्मूला हम लगा लें, छोटा सा एक कोड या इंस्ट्रक्शन लिख दें कि इस स्टैक इज इक्वल इक्वल नल, अगर वो उसकी वैल्यूज नल है तो इसका मतलब है आपका इज एम्प्टी फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे इसकी कोडिंग और एल्गोरिदम की डिस्कशन भी हम कर लेंगे। एट ऑल टाइम्स वी मेंटेन अ पॉइंटर टू द लास्ट पुश डेटा ऑन द स्टैक। तो जो भी आप एलिमेंट उस पर पुश कर रहे होते हैं, साथ साथ उसके पॉइंटर मीन उसके एड्रेसेस को भी आप अपने पास स्टोर रखते हैं थ्रू अ पॉइंटर एड्रेस वेरिएबल। एट दिस पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द स्टैक, हेंस नेम्ड टॉप। इस पॉइंटर को यहाँ पे हम टॉप का नेम देते हैं, पीटीआर की बजाय टॉप वेरिएबल। इसको डिक्लेयर कर देने से आसान कोडिंग फील होती है। द टॉप पॉइंटर प्रोवाइड्स टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक विदाउट एक्चुअली रिमूविंग इट। अब हमारा मकसद जो है वो जस्ट देखना होता है, उसको रिमूव नहीं करना। जब देखने का मतलब आप उसकी पीक वैल्यू और इज फुल चेक करना हो और इस तरह की एक्टिविटी करनी हो, तो उस दौरान आपने एलिमेंट को मूव नहीं करना। फर्स्ट वी शुड लर्न अबाउट प्रोसीजर टू सपोर्ट स्टैक फंक्शन। अब पीक फंक्शन से रिलेटेड के पीक फंक्शन कैसे काम करेगा उसको थोड़ा सा अगर हम देख लें, तो वो बेसिकली ऐसे है जैसे उसका एल्गोरिदम हम स्टार्ट करें। बिगन प्रोसीजर पीक रिटर्न स्टैक टॉप। अब आपके पास एरे है, उसका एरे का नेम हमने स्टैक रखा हुआ है और उसके जो अंदर वैल्यूज हैं उसमें से जो टॉप वैल्यू है पहला पहला जो सॉरी जो लास्ट लास्ट हमने इंसर्शन की है, लास्ट लास्ट जो एड्रेस है टॉप मीन के टॉप पॉइंटर वाले एड्रेस पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको डिस्प्ले करते हैं, सिंपली रिटर्न करते हैं इंट मेन में और उसको डिस्प्ले करते हैं। जब आप उसको टॉप वैल्यू को देख लेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने पीक फंक्शन कॉल किया और जो टॉप वैल्यू है उसको देख लिया। देखो सी लैंग्वेज की कोडिंग फॉर्मेट में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना हो तो हम सिंपली इंट पीक फंक्शन एक बनाएंगे, उसके डेफिनेशन में जाके फॉर्मूला जो डिफाइन करेंगे वो रिटर्न स्टैक टॉप सेमीकोलन इतना लिख देंगे। उसके बाद इज फुल फंक्शन वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इज फुल फंक्शन सिंपली हम लिखेंगे इसका एल्गोरिदम अगर देखें, बिगन प्रोसीजर इज फुल इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज। आपने एक वेरिएबल रखा हुआ है जो कि मिसाल तौर हमने लास्ट अगर आपको इंसर्शन ऑपरेशन एरेज के अंदर याद हो तो हमने रखा था कि मैक्सिमम वैल्यू एरे की एन इज इक्वल टू 5 रखी हुई थी। तो यहाँ पे भी हम स्टैक अगर हम 5 इंडेक्सेस वाला 5 वैल्यूज वाला स्टैक ले लेते हैं तो हमारे पास मैक्स साइज इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और हम चेक करेंगे कि जो टॉप एलिमेंट इंडेक्स या टॉप इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम टॉप कह देते हैं कि इफ टॉप इक्वल्स टू 5 मीन के मैक्स साइज रिटर्न ट्रू कि आपका स्टैक जो है वो फुल है, एल्स रिटर्न फॉल्स तो आपका स्टैक फुल नहीं है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में आपको बाइनरी में ये फंक्शन रिजल्ट दे देगा। एंड इफ कंडीशन एंड एंड प्रोसीजर इसी को सी प्लस प्लस के फॉर्मेट में देख ले। बुलियन फंक्शन हम बुलियन इसका जो है डेटा टाइप यूज करते हुए इस फुल फंक्शन जो है डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन करेंगे। इफ टॉप इक्वल इक्वल मैक्स साइज रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। इज एम्प्टी कैसे चेक करेंगे हम। इज एम्प्टी चेक करने का तरीका ये है कि बिगन प्रोसीजर इज एम्प्टी वाला प्रोसीजर बिगन कर रहे हैं। इफ टॉप लेस देन 1 अगर आपके पास टॉप है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपका स्टैक एम्प्टी है, रिटर्न ट्रू हो जाएगा एल्स रिटर्न फॉल्स होगा। अगर आपके 1 से ज्यादा उसके मेंबर्स उसके अंदर वैल्यूज वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो इज एम्प्टी फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसकी प्रॉपर जो इज एम्प्टी की इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। बुल बुलियन जो डाटा टाइप है उसको यूज करेंगे हम। बुल इज एम्प्टी
इफ टॉप इक्वल इक्वल माइनस वन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये कुछ उसके सब फंक्शन थे स्टैक को इंप्लीमेंट करने से पहले, और स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन मीन के पुश एंड पॉप ऑपरेशन उसके परफॉर्म करने से पहले ये एक्टिविटीज चेक करनी होती है, उसके बाद पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट ऑन स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। स्टेप वन में हमारे पास चेक होगा कि इफ स्टैक इज फुल प्रोड्यूस एन एरर। स्टेप वन में चेक होगा स्टैक इज फुल, और स्टेप टू में हमारे पास इफ स्टैक इज फुल प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट हो जाए प्रोग्राम। अगर आपके पास स्टैक फुल नहीं है, इफ द स्टैक इज नॉट फुल इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। जो आपके पास टॉप एलिमेंट है, मिसाल तो टॉप इज इक्वल टू 3 है, तो उसको प्लस 1 करके 4 कर दें, और फोर्थ लोकेशन जो कि एक एम्प्टी लोकेशन होगी उस एम्प्टी लोकेशन पे आप डेटा एलिमेंट एक पुट कर दें। एड्स डेटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग। क्योंकि टॉप हमने प्लस प्लस करके सपोज के 3 से 4 कर दिया था, तो उस फोर्थ लोकेशन पे आपका वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। देन इसके बाद फिफ्थ स्टेप इज रिटर्न सक्सेस, कि हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है। ये उसकी डायग्राम है जी पुश ऑपरेशन के लिए। टॉप एलिमेंट सपोज के आपके पास डी था, और डी के बाद आपने ई उसके अंदर पुट करना है, तो आप टॉप जो है टॉप प्लस 1 कर देंगे, तो ये जो 1 2 3 4 लोकेशन की बजाय टॉप जो है इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 5 इक्वल टू हो जाएगा ई के बराबर, और ई जो है वो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव हो जाएगा, और हमारा टॉप जो है वो 4 से 5 उसकी वैल्यू बन जाएगी। इफ द लिंक्ड लिस्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द स्टैक, देन इन स्टेप 3 वी नीड टू एलोकेट स्पेस डायनामिक। जो हमारे इसके स्टेप 3 में इफ स्टैक इज नॉट फुल इंक्रीमेंट टॉप टू द पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। तो बेसिकली क्योंकि एरे के अंदर तो फिक्स लोकेशंस होती हैं, ये आपके पास कंटेनर जैसे नजर आ रहा है, जो लिंक लिस्ट है उसमें फिक्स साइज नहीं होता। आपके पास अगर एक लोकेशन ये कंप्लीट हो गई है, तो इस तरह की एक और पूरी लिस्ट बना लें, और एक अगर अगली लिस्ट भी फुल हो गई है तो एक और लिस्ट बना लें। लिंक लिस्ट में हमारे पास डायनामिकली मेमोरीज अवेलेबल होती हैं। तो आई थिंक आज के लिए इस ट्यूटोरियल में इतनी डिस्कशन काफ़ी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पुश ऑपरेशन की डिस्कशन प्लस में इन सारे के सारे ऑपरेशंस और सारे के सारी एक्टिविटीज और सारे फंक्शंस जो हैं उसका प्रॉपर एक C++ कोड की इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट जो स्टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन का C++ का प्रोग्राम है वो प्रॉपर आपको अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।